नमस्कार, छत्तीसगढ़ के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 12 अप्रैल 2024 को मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल और आपके जिले की मौसम की जानकारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कितनी बारिश होगी, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कल छत्तीसगढ़ का तापमान कैसा रहेगा। तापमान की बात करें तो दिन के समय जिन जिलों में अधिक तापमान होगा वे जिले हैं रायपुर, कोरिया, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरबा, सूरजपुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और रायगढ़, जहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसी तरह रात के समय जिन जिलों में कम तापमान होगा वे जिले हैं कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद, कबीरधाम, नारायणपुर, दुर्ग, कोंडागांव, मुंगेली, बालोद, गरियाबंद और धमतरी। इन जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। हवा की गति की बात करें तो सबसे अधिक हवा चलने वाले जिले हैं कोरबा, कोरिया और सूरजपुर, जहां पर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं बाकी जिलों की बात करें तो 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी डालते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। साथ ही आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से यह जानकारी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। सबसे पहले उन जिलों के बारे में जानेंगे जहां पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना भी बनी रहेगी। वे जिले हैं कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। इन जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। अब वे जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ बादलों की गर्जना होगी, गरज चमक का मौसम रहेगा और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। वे जिले हैं बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, धमतरी, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, गौरेला पिंडरा, मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला और गरियाबंद। तो ये था छत्तीसगढ़ में आज का मौसम और आपके जिले की मौसम की जानकारी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।